नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा, एक नजर डालते हैं जिले भर की हेडलाइंस पर। रीवा सतना के 5000 गांवों का होगा ड्रोन सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया की टीम करेगी सर्वेक्षण। स्वामित्व योजना के लिए आबादी एरिया का होगा चिन्हांकन, अप्रैल के दूसरे सप्ताह से तैनात होगी ड्रोन टीम। झोले में नशीली कफ सिरप लेकर तस्करी के लिए जा रहा आरोपी गिरफ्तार, सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। पकड़े गए आरोपी की पंकज पटेल निवासी अकोला बस्ती रतहरा के रूप में हुई पहचान। गला घोटकर नवविवाहिता को उतारा था मौत के घाट, साक्ष्य छिपाने के लिए फंदे पर सबको लटका कर लिखा गया था सुसाइड नोट। दहेज लोभी ससुराल वालों की करतूत उजागर, लौर थाने के जोधपुर गांव में हुई थी प्रतिभा शर्मा की हत्या, पति समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। आरोपियों में ससुर ओंकार नाथ शर्मा, पति प्रशांत देवर, दीपक दीपू शर्मा, दादी सास रामवती शर्मा और बुआ सास ममता तिवारी बने आरोपी। वाहन की टक्कर से युवक की मौत, 3 किलोमीटर तक शव घसीटता चला गया चालक। बैकुंठपुर के खमरिया गांव के समीप हुआ हादसा, सलाइया मोड़ पर मिला शव। पुष्पेंद्र कुमार निवासी बेलवा सुनसरी के रूप में हुई पहचान। छात्रों को ब्लैकमेल करने के मामले में जांच के लिए पहुंची टीम, तो प्राचार्य हुआ लापता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर की गई पूछताछ, आज रिपोर्ट सौंप सकती है जांच की टीम। वहीं प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, मार्तंड स्कूल के स्टाफ से लिखित प्रश्नोत्तरी में जांच टीम ने लिए जवाब। मछली बेचने वाले व्यवसायियों की 3 दुकानें नगर निगम ने की सील, लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं अपना रहे थे दुकानदार। शहर के सिविल लाइन थाने के पास स्थित मछली मार्केट में हुई कार्रवाई। एफएसएल की रीजनल यूनिट के भवन का जल्द होगा शुभारंभ, सागर लैब के संचालक ने किया निरीक्षण। रीवा व शहडोल संभाग को मिलेगा लाभ, संभाग से हर माह 25,000 विसरा परीक्षण के लिए जाते हैं सागर। शीघ्र ही शुरू हो जाएगी रीवा में जांच। जिले में बड़ी घूसखोरी, एक दिन में 3 अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रीवा लोकायुक्त पुलिस की टीम ने जिला खाद्य अधिकारी पीसीओ और एमपीआरडीसी के बापू को पकड़ा। भाजपा 7 से 20 अप्रैल तक प्रदेश भर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही। पखवाड़े के अंतर्गत जिले के सभी 26 मंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण केंद्रों में जाकर 12 से 18 साल के बच्चों को 100% टीकाकरण के लिए किया प्रेरित। शहर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, महामृत्युंजय भगवान का किया जाएगा अभिषेक। लक्ष्मण बाग में आयोजित की गई है रामकथा, इस दौरान नगर में श्रद्धालुओं ने किया जगह जगह स्वागत। यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री के साथ भारी संख्या में महिलाएं कलश लेकर पहुंची लक्ष्मण बाग। जिले में बढ़ा तापमान 45 डिग्री के पार, लू की चपेट में जिला, दिन में गर्म हवा के थपेड़ों से झुलसा जिला, ठंडे पेय पदार्थों की बड़ी मांग। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर भाजयुमो ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक से दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग। धार्मिक उन्माद फैलाने का लगाया गया आरोप, भाजपा नेता गौरव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। किसानों से 12 की दर से भूसा खरीदे सरकार, आप नेताओं ने कहा कि नए नियम से किसानों को होगी परेशानी। पत्रकार वार्ता के दौरान संभागीय अध्यक्ष अमित सिंह ने रखी मांग। जल संरक्षण के लिए मिलकर करें सभी प्रयास, जलाभिषेक अभियान के तहत ग्राम खैर बचियार में जल चौपाल पहुंचे सिरमौर जनपद पंचायत प्रतिनिधि संजय द्विवेदी ने लोगों से की अपील। घूमन गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग, दमकल ने आग पर पाया काबू, गेहूं की फसल जलकर हुई राख। मझगवां में मेली मौर्यकालीन ईंटों की बनी प्राचीन दीवार, बौद्धकालीन बस्ती का लगाया जा रहा है अनुमान। पुराने विवाद को लेकर गाली गलौज, मारपीट, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के सामने पार्किंग स्थल पर शिवम सेन के साथ राजा साहू शरीफ वाली व 3 अन्य बदमाशों ने की मारपीट, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। शराब पीने के लिए पैसा ना देने पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के साथ सरहंगों ने की मारपीट, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महाराजा होटल में सुनील सिंह जितेंद्र सिंह नाम के युवकों ने की वारदात, पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। घर के अंदर घुसे बदमाश ने लैपटॉप चार्जर, सैमसंग कंपनी का मोबाइल, घड़ी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सहित अन्य सामान किया चोरी। सामान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ज्योति स्कूल के पीछे नेहरू नगर में हुई घटना, पीड़ित के भास्कर नारायण की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बकरी बेचने के पैसे के लेन देन को लेकर हुई दो पक्षों के बीच मारपीट, मोहित चिकवा निवासी लालगांव को मनीष साहू निवासी भैखरी ने पीटा, पीड़ित की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज। गढ़ थाना क्षेत्र के देवास गांव की घटना, घर का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवरात, 30,000 नकदी सहित लाखों का सामान चुराया। बिलहाई खुर्द निवासी राजकुमारी कचेर के घर हुई चोरी की वारदात, आधा दर्जन युवकों ने घर में घुसकर की मारपीट, विरोध करने पर दिया जान से मारने की धमकी। पनवार थाना क्षेत्र के भदरिया टोला निवासी सुरेश तिवारी के घर घुसे अवधेश तिवारी और अन्य 5 लोगों ने दी वारदात को अंजाम। दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर मामला पुलिस ने किया दर्ज, जांच में जुटी। जीत हार की बाजी लगाते आधा दर्जन जुआड़ी पकड़ाए, कोतवाली पुलिस ने घोघर मोहल्ले में दबिश देकर शाहिद खान मोहम्मद अली उर्फ गुड्डा शहनवाज, उल हक मोहम्मद नसीम उर्फ गुड्डा, सूरज गुप्ता और गुलफाम सभी निवासी घोघर के खिलाफ की कार्रवाई। आरोपियों से 52 ताश के पत्ते और 4,300 रुपए नकदी बरामद। जिले भर की फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।